भाई साहब क्या नजारा है। और बीच में हो गया एक कांड, मेरे ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है रहरा के, लग रहा है आगे साथ में अलीपुर द्वार तक फिर होगी रास्ते में। तो खूबसूरत सी सड़क पे हम बढ़ रहे हैं तिस्ता बाजार की तरफ, और अब हम यहाँ से तिस्ता बाजार तक साथ हैं, फिर उसके बाद के नज़ारे अलग हो जाएंगे। तो दार्जिलिंग में बहुत चीज़ें और भी थी, लेकिन काफ़ी भीड़ है। और एक मेजर टसल ये था कि जो भी लोकेशन अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि टॉय ट्रेन या फिर सन व्यू पॉइंट या रोपवे, तो चूँकि रोपवे मेरा घुमा हुआ है, टॉय ट्रेन तो मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि इसके वजह से मेरे आगे के ट्रिप प्रभावित होती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इन खूबसूरत नज़ारों के बीच, भाई साहब क्या नज़ारा है, और इन नज़ारों के बीच हम राइड करें। तो बाइक भगाई जा रही है दार्जिलिंग से। ओहो ओहो क्या नज़ारे हैं, जबरदस्त। माउंटेन्स आर प्लीजर इफ़ यू ड्राइव विथ लीजर्ट, एग्जैक्टली 100% सही। हल्की बारिश होती है कभी, धूप खिला होता है, और दोपहर के बज रहे हैं 12, और 12 बजे ऐसा मौसम मिले तो गाड़ी चलाने का घूमते 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 घूमते। बोले ये मंदिर है श्री राम बाबा साहेब जाड़ी, जय बजरंग बली। मान्यताओं में देखिए भगवान हर जगह है, हर जगह। झरना का लोकेशन जो गर्मी में सूखा हुआ है, चाय के बगान में मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया मुझे कि बारिश, जैसा मैं सोचता था कि अप्रैल में बारिश यहाँ नुकसान करेगी, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, चाय के बगानों के लिए और चाय की पत्तियों के लिए बारिश अच्छी मानी जाती है। अभी बारिश और होनी चाहिए, हल्की फल्की, अभी कम हुई है। इंटरेस्टिंग, इसीलिए दार्जिलिंग की चाय सबसे स्वादिष्ट होती है, वर्ल्ड की सबसे टॉप क्वालिटी की चाय यहाँ होती है। और तीस्ता यहाँ से 26 कुछ दिख रहा है, क्या है थोड़ा देखा जाए। यहाँ का कोई मंदिर, सुंदर फ्लैग, जबरदस्त ढंग से। मेरे ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है रहरा के, लग रहा है कि इसकी ग्रिप कमज़ोर हो रही। देखिए चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है या नहीं। तो बढ़ रहे थे हम आगे, और बीच में हो गया एक कांड, मेरी गाड़ी का पिछला ब्रेक काम करना बंद कर दिया। ये पहाड़ों में जब आप डाउन हिल चलाते हैं तो ब्रेक फेल की सिचुएशन जनरेट होती है। तो मैंने देखा कि एक ब्रेक पैड में थोड़ा सा इशू दिख रहा है, तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं पहले अपने ब्रेक पैड को दिखवा लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो चलता हूं पहले किसी मैकेनिक के पास, फिर उसके बाद। बहुत ही सावधानी से बाइक चलानी होगी क्योंकि अक्सर पहाड़ों में जब आप डाउन हिल चलते हैं और बहुत हाई स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेक पैड्स हीट होते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो जब भी राइड करें तो घबराएं ना। तो ब्रेक्सू की हालत कुछ ऐसी हो गई है, एकदम ख़त्म होने के कगार पे, एक साइड ज़्यादा ही घिस गया है, एक साइड थोड़ा ठीक है, इसीलिए ये हीट पैड जो ब्रेक पैड हैं वो काफ़ी ज़्यादा रगड़ खा रहे थे, और इसीलिए पूरा ये डिस्क गर्म हो रहा था और इसी वजह से ब्रेक मेरा फेल हो रहा था। तो अभी लोकल एक मैकेनिक हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा कि भैया मैं बना दूँगा, तो गए हैं KTM का ब्रेक पैड लाने। भाई ने अब अपनी बाइक यहाँ पर पिक कराई जाएगी, और मैं रुका हूँ NHPPL में नीचे, कुर्सियोंग यहाँ से 24 किलोमीटर है। तो चलिए भाई से चेक कराते हैं, चेंज करवा देते हैं ब्रेक पैड और फिर करेंगे काम आगे। भाई ने क्या नाम बताया भाई आपने अपना? शाहजहाँ ने मेरी बाइक का
सब ठीक कर दिया। थैंक यू शाहजहाँ भाई। और हमारे साथ एक और लोकल थे सर, आपका नाम? रोजन भाई, उन्होंने बताया। तो फाइनली बाइक ठीक है, अब चलते हैं सिल्लीगुड़ी का। भाई का अपना भी यूट्यूब चैनल है, देखिए आप जब भी किसी राइड पे आए ना तो लोकल जो आपको मदद करते हैं ना कौन है। थैंक यू साजा भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ से सिल्लीगुड़ी। साथ ही लोग निकल गए हैं, उन्हें एक बार फ़ोन कर दूँ। ओहो वाह, इससे अच्छा क्या डेस्टिनेशन होगा लोग घूमने के लिए, यहाँ इन बादलों के बीच में जो बाइक चलाने का अनुभव है ना, ओह मज़ा आ जाता है। कसम से मन करता है ऐसे ही रुके रहूं, जबरदस्त। लेकिन लौट रहा हूँ मैं सिल्लीगुड़ी और फिर नीचे वही गर्मी लगेगी, मुझे पता है। इन नज़ारों के बीच चलते लगता है जन्नत है ये, और इसीलिए हर हिल स्टेशन थोड़ा अलग होता है। दार्जिलिंग इसीलिए फेमस है। बादल, वाह ऊपर देखिए क्या व्यू है, जबरदस्त। एक खूबसूरत सा मॉन्स्ट्री, इसके वाइब्रेंट कलर कितने अपीलिंग है। है और यहाँ से बादल ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ये कुहासा उठ रहा है, चीड़ के पेड़ लंबे लंबे हैं, इधर चाय के बगान हैं, और ऐसा फील होता है ऊंचाई को देखकर कि मैं बादलों में आप बाइक चला रहा हूँ। है और यहाँ से सिल्लीगुड़ी 22 किलोमीटर हम उतर चुके हैं दार्जिलिंग से नीचे, और अब भयानक गर्मी का एहसास होने लगा है। जो ठंडक थी, जो शीतलता थी, वो अब समाप्त। आ गया हूँ अब दार्जिलिंग से नीचे उतरकर एशियन हाईवे 2 पे, और ये रास्ता आगे जाके फुलबारी होते हुए मिल जाएगा गुवाहाटी जाने वाले 4-लेन रोड से। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से गुवाहाटी के तरफ। हालांकि आज का सफ़र पूरा गुवाहाटी तक तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बीच में जंगल हैं और रात हो जाएगी, तो जहाँ तक गाड़ी चल सके अपना क्या है, गाड़ी चलाना है, घूमते जाना है। तो चलते चलते हम आ गए हैं मैनागुड़ी के पास। मैनागुड़ी यहाँ से 12 किलोमीटर, और बीच में ये आ रही है तिस्ता नदी। पानी तो बहुत कम है, ये है तिस्ता नदी, और हम गुजर रहे हैं अभी तिस्ता नदी के ऊपर से। मैंने तिस्ता नदी के किनारे कैंपिंग भी की है जो कालिंपोंग में था, अगर आप उसका ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको उसका ब्लॉग मिल जाएगा। बेहद ही वो खूबसूरत सी जगह है। तो चलते चलते आ गए हैं मैनागुड़ी, और शाम के बज गए हैं 4। तो आप कहीं रुका जाए क्योंकि इसके बाद अलीपुरद्वार के जंगल शुरू हो जाएंगे। शाम में जंगलों का ठीक नहीं रहता, तो कोशिश यही है आसपास कहीं रुका जाए। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मैनागुड़ी में। तो कल ही हम पहुंच गए थे मैनागुड़ी शाम के लगभग 5 बजे,
और मैनागुड़ी को गेटवे ऑफ डुअर्स कहा जाता है, और हाथीमारा नेशनल पार्क यहाँ के नज़दीक है। तो चूंकि इसके आगे अलीपुर द्वार के जंगल शुरू हो जाते, तो मैंने डिसाइड किया कि आज यहीं रुकते हैं इसी होटल में। तो होटल बहुत ही अच्छा है, और मतलब मैंने उम्मीद नहीं किया था, एक राइडर फ्रेंडली होटल है ये, और 1000 के अप्रॉक्स में सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही अच्छा मिल गया। तो चलिए आपको इस होटल के कुछ व्यू दिखाते हैं, फिर यहाँ से पैकअप करेंगे और निकलेंगे आगे गुवाहाटी के लिए। तो मैनागुड़ी रुकने का एक रीज़न यही था कि आगे जंगल हो जाएंगे, तो रात में उस जंगल में मुझे होटल्स तो मिलते, रिसॉर्ट, लेकिन कहाँ मिलते, और बीच में काफ़ी घना जंगल भी पड़ता है। तो मैंने ये सोचते हुए कि रात में जंगलों को अपने हिसाब से छोड़ दिया जाए, तो मैं इस होटल में रुक गया। होटल बहुत ठीक है, अच्छा है, और यहाँ से अब पैक करना है लगेज, लगेज ऑलमोस्ट रेडी है, और सीधे बढ़ जाना है गुवाहाटी की ओर। चलिए, कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, तो होटल का वेदर बहुत अच्छी हो गई है, और ये शानदार, वहाँ मेरी बाइक खड़ी है, पार्किंग के स्पेस बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल कॉटेज हैं, सारे एसी हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ का रिसेप्शन है। कमरे की हालत थोड़ी मेरी जैसी, रूम बहुत अच्छा है, सफिशियंट है, और सबसे बड़ी बात, बहुत कम ऐसे होटल्स होते हैं जो राइडर्स फ्रेंडली होते हैं। इस होटल की लोकेशन कितनी अच्छी है, ये जस्ट गुवाहाटी हाईवे 4 लेन जा रहा है, और इसके मुश्किल से 50 मीटर नीचे उतरते ही आपको यह होटल मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कहाँ, जी हाँ, जलपाईगुड़ी की रोड से मैं बढ़ रहा हूँ अलीपुर द्वार की तरफ, और बेहतरीन सड़क पर सरफट भाग रही है मेरी बाइक। हमारे एक मित्र आने वाले हैं, उनको आने में थोड़ा सा विलंब है, इसलिए मैं थोड़ी धीरे गति से चल रहा हूँ। अगर वो टाइम पर आ पाए तब तो ठीक, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा गुवाहाटी की ओर। तो अभी मैं चल रहा हूँ साथियों जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही, बेहद ही रोमांचक सफ़र है, और इस ज़िले से जुड़े बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि देख रहे कितना खूबसूरत सा घर सब है, पेड़। जलपाईगुड़ी के बारे में कहा जाता है चाय, इमारती लकड़ी और पर्यटन के लिए ये ज़िला जाना जाता है, और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ही रोचक है। अतीत में ये कामरूप साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ से भूटान बहुत नज़दीक है। कुछ लोग बता रहे थे, नेट पर भी देखेंगे आप तो, इसका नाम भूटानी भाषा में जेलपेगुड़ी यानी गरम कपड़े का स्थान। जी हाँ, भूटान और भारत के बीच के इलाके में, सीमावर्ती इलाके से पंड सकने वाला यह इलाका जलपाईगुड़ी का यही मतलब होता है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये जैतून की पहले पेड़ यहाँ बहुत होते थे, जैतून का तेल निकलता था, इसलिए जलपे मतलब जैतून और गुड़ी मतलब घर, यानी जैतून का घर। तो इसी तरह भारत के हर शहरों का अपभ्रंश होते होते नाम रखा गया है, और ये रोड बहुत अच्छी है, नज़ारे ज़बरदस्त हैं, आप देख रहे हैं, चाय के बगान मिलते हैं, फिर खेत मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे घर, रंग बिरंगे चटकीले रंगों से रंगे हुए बांस के साथ, ये ताड़ और सुपारी के पेड़, ज़बरदस्त है। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा सफ़र को बढ़ाते हैं। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि सफ़र लगातार लंबा चल रहा था, थकान ज़्यादा थी, तो अच्छे से नींद आई है मुझे, और जिस होटल में रुका वो बहुत ही अच्छा था,
अच्छा खाना भी मुझे मिला है, पेट फुल, तो अब गाड़ी में कराना है तेल फुल। तो चलिए कहीं पेट्रोल पंप पे पहले तेल भराया जाए। और अलीपुर द्वार यहाँ से है 73 किलोमीटर। रिलायंस का पहला पेट्रोल पंप है जो खुला मिला है, नहीं तो बंद ही रहता था सर। फाइनली फारूक भाई आ गए हैं, तो हम यहाँ से अब बढ़ेंगे आगे साथ में अलीपुर द्वार तक, फिर होगी रास्ते में और बात।